मुझे जो पहला फोन आया था वो 12:15 बजे आया था, एंड आई हर्ड कि गॉट शॉट. तो जाहिर है यू डोंट फियर द वर्स्ट. मेरे जहन में ये था कि शायद कोई गोली टांग में बाजू में. देन समबडी सेड कि ही इज गॉन ब्रदर, ही इज नो मोर. आई यू नो वाज अ बिग शॉक. आई मीन आई कुडंट इमेजिन कि ये हो सकता. तो जाहिर है जिसके साथ आप सारा दिन, मुझे कहा गया कि आप घर जाके के सोशल मीडिया टीवी से खबर करने जानी चाहिए. वो एंड टेल मैंने आप जाके बताया. मैं साफ नहीं करता. मैंने कहा मैं हाउ डू आई गो टू अ मदर एंड टेल कि आपके दूसरा बेटा भी पहला भी हो यार कि आपका बेटा है दुनिया से चला गया. हाउ कैन आई टेल दैट वाइफ. मैं बाहर बैठा था. आज मेरे अंदर तो हौसला ही नहीं था कि मैं जाके अंदर किसी को ये बताऊं कि क्या हुआ. खैर हमें पता था हमने पहले, क्योंकि हम चाहते थे कि एकदम ये जाके ना घर बताया जाए कि ये हो गया है. सो पहला कहा गया कि जी एक एक्सीडेंट हुआ. तो जो इन्फॉर्मेशन आती है हम बताते हैं भाभी को. और मेरे अंदर तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं अंदर आंटी आंटी ने जब कहा कि बुलाओ उसको अंदर. बट इस ये मेरे अंदर बिल्कुल हौसला नहीं था कि मैं उसके घर जाके ये बताऊँगी उसके. और इस तरह गोली लगी उसको. एवरीबडी वॉज स्टंट, शॉक, स्टंट. अफसोस तो अपना सारों का अपनी अपनी जगह था ही. पाकिस्तान में जर्नलिज्म के अंदर बहुत लोग अर्शद भाई के अपने आप को करीब समझते होंगे, लेकिन आपके लिए भी है कि ही वाज राइट नेक्स्ट डोर, लिटरली नेक्स्ट डोर. साथ वाला मेरा है कमरे और ये अर्शद भाई का कमरे. काशिफ भाई, कोई ऐसी चीज व्हिच स्टैंड्स अर्शद शरीफ अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फ्रेटर्निटी जर्नलिस्टिकली? देखिए उसका एक तो हम क्योंकि सियासी काम करते थे, पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस ज़्यादा पॉलिटिकल स्टोरीज, ही वॉज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट. पेपर वर्क कमाल था उसका, रिसर्च, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन चीज़ों की. हम तो ज़्यादा उस ही सेट इसलिए क्योंकि मेरी सारी ट्रेनिंग या फॉरेन ऑफिस की थी इनिशियली या पॉलिटिक्स की थी. तो पॉलिटिक्स में लिखत पढ़त कम होती है, ज़ुबानी बातें ज़्यादा. आप रात को जाकर किसी बैठ गए, पोलिटिकल व्यू उनका लिया, उसके लिए उसका लिया, एंड देन यू से ये चीज़ इस तरह हुई बेस्ड ऑन वट वी बी टोल्ड. अर्शद का ज़्यादा काम डॉक्यूमेंटेड था. यहाँ से कार्टन्स गए हैं, संदूक गए हैं यहाँ से, जो पेपर्स यहाँ पे पूरी अलमारी पीछे भरी हुई है, अलमारियाँ भरी होती थी उसके कागजों की. अ लॉट ऑफ पेपर, कमाल पेपर वर्क करता था. अटेंशन टू डिटेल कमाल थी. अच्छा, ये भी एक हकीकत है कि बहुत कम लोग शायद अर्शद भाई के बहुत करीब थे, उनमें से आपके फैमिली टर्म्स थे आपके और मेहर के. एज अ ह्यूमन, एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, what legacy has he left behind? What is the void that he has left behind for you especially? मैं अभी उसके घर से ही आ रहा हूँ और उसकी वालदा के साथ ही बात हो रही थी. अदील भी बैठा था, मैं और अदील कुछ दिन पहले जब हम जाहिर उसके घर बैठे थे, बात हो रही थी कि समटाइम्स अड़ जाता था ना, वो बहुत अड़ जाता था. वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड. मैं जब जुमला कहते हैं ना कि फैसला कर लिया तो अपनी भी नहीं सुनता. मैं दैट वे ही वॉज लाइक, उसको हिलाना किसी चीज़ से बहुत मुश्किल था. तो अक्सर आके मैं हम ये बात करते ही मुझे आगे कहता था. तो अब मैंने आना है इस कुर्सी में बैठना, यहाँ पे अली बैठता है हमेशा. तो वो जरा सोफे नीचे है, मैं उसको कहता मैं साइड पे हो जाए. और उसने साइड पे होना तो अर्शद क्या कर रहा है? मैंने क्या किया? सबको पहला होता मैंने किया क्या है? मैं कह यार छोड़ जाने ना, कोई बात करनी है, मैं फुटू तो ना समझ में, यही काम करता हूँ ना कर अर्शद ये इस तरह, इस वजह से जो भी कुछ अगर कोई भी इशू है किसी तरीके से भी, चल ठीक है यार आपने कह दिया ठीक है. मतलब मैं जितने सालों से उसको जानता हूँ, मेरी आज तक हम एक जगह पे इतने अरसे ट्रांसमिशन, मेरे उसे तलखी नहीं आई, दिस स्माइलिंग फेस. और मुझे जो मुझे कहा गया आपने उसका चेहरा देखना, मैं कहा मैंने नहीं देखा, आई डिडंट सी इट. और उसकी वजह यह कि मैं एक चेहरा जो उसका मुझे जो मैंने देखना या जो मुझे याद रखना था, जो कि अक्सर वो यूं अगर आएंगे ना कमरे में करके बैठा होगा इस और यूं ही होगा ओ काशिफ भाई, एंड यू दिस बस्ट आउट इनटू अ स्माइल एंड वी विल हैव दिस कॉन्वर्सेशन.
जब मौज में होता तो काशी कहता होता था, तो मैं भी जब कई दफा यार अक्षत क्या कर रहा है, और कैसे काशी तुझे पता नहीं है, काशी ये इस तरह नहीं है, इस तरह वेरी स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड बट व्हाट अ फैंटास्टिक गाय है। देखिए हर आदमी का अपना एक परसेप्शन होता है कि आप कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, कितना कर सकते हैं, ये हम सब का इंडिविजुअल के तौर पे भी इकट्ठे बैठ के भी एक परसेप्शन होता है, दैट इज अ परसेप्शन। मुल्क के हालात हैं, मुल्क के हालात के मुताबिक आप किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक नहीं जा सकते, ये आपको, आप जब बीच में आते हैं तो आपको पता चलता है, ये बाहर बैठ के किसी आदमी को नहीं पता चल सकता कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ। हम यहाँ बैठ के, इधर ही बैठ के आपका ख्याल है कभी कॉन्वर्सेशन नहीं हुई, क्या हालात है, मल्टीपल टाइम्स, अनगिनत टाइम्स ये बात हुई, यार ये है, ये ऐसे है, ये ठीक है, ये नहीं करना, जो भी उस वक्त हुआ, आप ज़ाहिर है भाई मना चला गया, बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करना शायद ठीक नहीं होगा, बहुत कॉन्वर्सेशन होते हैं। और ये देखिए ये ब्लैक एंड वाइट नहीं है पाकिस्तान के एनवायरमेंट, बहुत सारे ग्रेज में काम होता है इस एनवायरमेंट, सो वो ग्रे आपको उसी टाइम समझ आएगी जब आप इस फील्ड में आते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम सारे गए थे, जब अरशद भी इस्लाम आबाद छोड़ के गया, तो तीन बंदे इसी कमरे में बैठे, डिसाइडेड लेट्स जस्ट लीव द सिटी, परसेप्शन। सो ये उस वक्त हो सकता है कोई हालात बहुत ख़राब हो और आपको लगे कितना नहीं है, हो सकता है हालात कम ख़राब हो लेकिन आपको लगे नहीं इस टाइम हालात ज़्यादा ख़राब, ये आपके ये इंसान की ज़ात का एक, और या अपने हालात कलेक्टिव हालात कलेक्टिव सोच का एक वो होता है कि वेयर डू यू थिंक यू आर राइट नाउ, हाउ टफ आर थिंग्स, कितने ग्रे में है, कितने ब्लैक और वाइट में क्या हो रहा है, उसकी बुनियाद पर ही बहुत सारा डिपेंड करता है। सो आई मीन जर्नलिज्म तो खुल के करना चाहिए, नॉट सेइंग देखें ये मैं किसी को ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जर्नलिज्म साफ़त का मतलब यह है कि अगर आप, मैं कल किसी भाई से बात कर रहा था कि अगर कोई हमें कहे कि यार एहतियात करें, मैं या ये करना करें, मैं कहूँ जब आप या फौजी जब बॉर्डर पे लड़ता है या वर्दी पहनता है तो ये थोड़ी कहता है कि यार अब गोली चल रही है तो अब मुझे एहतियात करनी चाहिए और बॉर्डर पे नहीं जाना चाहिए। व्हेन यू गेट इनटू अ प्रोफेशन, एनी प्रोफेशन, इट हैज़ इट्स ओन डेंजर्स अटैच्ड टू इट, जर्नलिज्म इन पाकिस्तान हैज़ इट्स ओन डेंजर्स अटैच्ड, उसके अपने खतरात हैं जो जर्नलिज्म के साथ पाकिस्तान में लगे हुए, हर बंदे की अपनी एक होती है, और कैसे किस वक्त क्या हो ये तो आप नहीं तय कर सकते। एक जुमला या एक लफ्ज जिससे सारी जिंदगी आप अरशद भाई को याद रखेंगे? बड़ा फैंटास्टिक गाय है यार, बहुत अच्छा बंदा, बहुत अच्छा, ताकि साफत में आप मेरे उसके व्यू से डिसएग्री, हम डिसएग्री करें कि बहुत सारी चीज़ें पकड़ते हैं, इधर ही बैठ के करते, दलेर था और बहुत अच्छा ही एज अ गाय वॉज अ वेरी गुड मैन, जिंदगी की भी तलखी नहीं उसकी, अलग होती थी, बड़ी 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 मैं देखता रहता था, वो आपने देखा होगा अनिल वसीम बदामी के साथ होगी जी, बट वो ढका है, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग नॉट बिकॉज ही इज गॉन, मतलब यहाँ से मैंने प्रोग्राम कर, पहले मैं यहाँ पे होता था, अभी रिसेंटली इस कमरे में आया था, पहले दोनों तरफ एक ही दीवार है, तो मैंने निकलना पहले दरवाज़ा खोल, अपना प्रोग्राम करने से पहले लाइव 8 बजे का होगा, 8 बजे में अगर 4-5 मिनट है तो पहले दरवाज़ा खोलूँगा, उसके साथ अक्सर कुछ जुमलों का एक्सचेंज होगा, कहूँगा वो खाना तो नहीं मंगा तुमने यार, वो इतना इस कमरे में हर वक्त खाना चलता है, दोस्त बैठे हैं, मेहमान बैठे हैं और खाने आ रहे हैं, तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा डाइट पर होता था तो मैं दरवाज़ा खोलूँगा खाना तो नहीं पड़ा, वो मंगा लेते हैं नहीं, बट यू नो, और आई एम नॉट जस्ट फूड, वैसे ही क्या खाना है, मैं कहूँ ये कर रहा हूँ, जो भी आपने आपस में दो जुमलों में जो एक्सचेंज हो सकता है इंसान का, वक्त के मुताबिक होती है ना चीज़, हर चीज़ ग्रेट है, ग्रेट है।